पर सच ये है कि जब आदमी दौलत और ताकत की वजह से जितना भी बड़ा होता जाता है, जितना भी बड़ा होता जाता है। हे वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स दैट इज इंजीनियरिंग वंदा व्लॉग्स। आई होप यू लूडिंग ग्रेट। आप लोग स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और बहुत ही मस्त होंगे। तो एक चीज बतानी थी आप लोगों को कि कल है फ्रेशर्स इंजीनियरिंग वालों की कॉलेज में है ना, हॉस्टल में हो चुकी थी लेकिन कल कॉलेज में है। तो यार मैं एंकरिंग कर रहा हूँ है ना, मैं एंकरिंग करूंगा और देखते हैं पूरा अच्छे से इंटरेक्शन होगी बच्चों से, जूनियर जी से है ना। तो फिर वीडियोज भी कल आएंगे, मतलब जो मैं ब्लॉगिंग करूंगा। तो अभी काफी सारा मतलब रश चल रहा है, जैसे अभी काफी प्रिपरेशन चल रहा है उसके लिए, ताकि एंकरिंग करनी। यार वो होता है ना कि जब आप स्टेज पे जाते हो तो फिर उसके लिए पहले से प्रिपेयर होना होता है ना, अपने को पार्टनर के साथ, को होस्ट के साथ। और सबसे बड़ी बात यह है कि वैसे तो मैं एक दो बार कर चुका हूँ एंकरिंग है ना, पिछले साल ही करा था हॉस्टल्स के फ्रेशर्स में। तो फिर कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं, मतलब मैं खुद को अपने आप को 100% प्रिपेयर कर लूंगा, मतलब बहुत बार प्रैक्टिस कर लूंगा तो सब अच्छा ही होगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके आप लोग जरूर बताना कि सबसे अच्छा पार्ट आपको क्या लगा। तब तक के लिए बाय, लव यू। और ग्लिम्स है, और जैसा कि मैंने आपसे बताया था फ्रेशर्स पार्टी हो रही है हमारी कॉलेज में है ना, तो छोटी सी झलक, बच्चे स्किट कर रहे हैं ना, जिसको हम लोग नुक्कड़ बोलते हैं हिंदी में, वो दिखा रहे हैं कि कॉलेज लाइफ में हम लोग जब जाते हैं फिर बाहर निकलते हैं, मतलब कॉलेज लाइफ कैसा होता है वो सारे दिखा रहे हैं एज ए परफॉर्म करके, एज ए एक्ट करके। हाय आमिल जी, लव यू बेबी। और भैया नाश्ते में क्या है? ये भैया आलू टिक्की है, आलू टिक्की एंड छोले। चलिए, अरे वीडियो नहीं बनाना चाहिए, इतना अच्छा आलू टिक्की दे रहे हो भैया, काफी सही है। ये आलू टिक्की एंड छोले, माजा नहीं चाहिए भैया, मैं माजा नहीं लेता हूँ। ये पुदीने की चटनी, ये चटनी लजीज, ये लाल चटनी टमाटर की है ना। हाँ एक्चुअली कल मुझे एंकरिंग करना है, और क्योंकि आप लोग को जैसे मैंने बताया कि कल कॉलेज की फ्रेशर्स है यार, तो मैंने कुछ कुछ लिख लिया हुआ है, जैसे मैं आपको सुनाता हूँ है ना। जो पहला जो शुरुआत करूंगा वो सुना रहा हूँ। अरे कौन सा अच्छा, ये वाला बीच वाले पेज में मैंने जी, कैसे हैं आप लोग? हालांकि ऐसा नहीं शुरू करूंगा, बीच बीच में बोलूंगा, जो कि मेरा एक जी वाली है ना, तो उससे मतलब लोगों को थोड़ी सी हंसी आती है, तो उस वाले पार्ट को मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ है ना। तो अभी जो जैसे कि मैं जो शुरुआत करूंगा वो करूंगा दोस्तों एक कपलेट से, मतलब कि शायरी से। दोस्तों कहते हैं खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, कहते हैं खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, यस कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, सॉरी, जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है, जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, और अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का यहाँ पर। उसके बाद फिर वही माय हार्टेस्ट वेलकम टू आवर रिस्पेक्टेड एमडी सर, डायरेक्टर्स, ऑल द एचओडीज एंड ऑल द फैकल्टी मेंबर्स एंड माय लवली फ्रेंड्स प्रेजेंट हियर, एंड ऑल दो बार नहीं लगाना, एचओडीज, ऑल द फैकल्टी मेंबर्स एंड माय लवली फ्रेंड्स प्रेजेंट हियर। जी कैसे हैं आप लोग? माय नेम इज अमन झा एंड आई एम फ्रॉम बीटेक मैकेनिकल थर्ड ईयर। बस ऐसे 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 फलाना चलता रहेगा, चलता रहेगा एंकरिंग। फिर मैं अपने को होस्ट को बुलाऊंगा एक सारी
बोल के। हालांकि को-होस्ट श्रेया जी हैं, बीटेक से ही हैं, थर्ड ईयर से। तो फिर ऐसे चलते रहेगा, हम लोग दोनों साथ शुरू करेंगे। लाइटनिंग, लैंप लाइटनिंग होगी, फिर पहले तो वंदना होगी, लैंप लाइटनिंग होंगे, फिर प्रोग्राम वगैरह शुरू होगा।